डरबन के किंग्समेड क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से इस मैच को रद्द करना पड़ा। बारिश की वजह से मुकाबले में टॉस भी नहीं हो सका। अब दोनों टीमों की नजरें सीरीज का दूसरा मैच जीतकर बढ़त बनाने पर रहेंगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच गके बरहा शहर में खेला जाएगा। इस शहर का पुराना नाम पोर्ट एलिजाबेथ था। दोनों टीमें गके बरहा शहर के सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 8:30 पर शुरू होगा। Under-19 एशिया कप में भारत को पाकिस्तान से करारी हार का सामना करना पड़ा। दुबई में ICC एकेडमी ओवल 1 स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 259 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर ही टारगेट चेज कर लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 126 रन बनाकर सिमट गई। इसके जवाब में टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 19 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना ने जहां 48 रनों की पारी खेली, तो वहीं साइका इशाक और श्रियंका पाटिल ने 3-3 विकेट हासिल की। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने 2023-24 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, लेकिन पूर्व कप्तान जेसन होल्डर, निकोलस पूरन और ऑलराउंडर काइल मेयर्स ने वेस्टइंडीज के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने 14 पुरुष और 15 महिला प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा है। पुरुषों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एलिक एथनेज, कीसी कार्टी, टगे नारायण चंद्रपॉल और स्पिनर गुडाकेश मोती को पहली बार शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी अबरार अहमद नहीं खेल पाएंगे। अबरार प्रैक्टिस मैच में चोटिल हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पिन विभाग को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया बुलाया है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में बताया कि चोटिल होने के बाद भी अबरार अहमद टीम के साथ बने रहेंगे और पर्थ में इलाज कराएंगे। सूर्यकुमार यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मैच में 15 रन बना लेते हैं तो वे संयुक्त रूप से T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं। ये रिकॉर्ड फिलहाल विराट कोहली के नाम है। कोहली ने T20 इंटरनेशनल में 2000 रनों का आंकड़ा पार करने के लिए 56 पारियां खेली थी। वहीं सूर्यकुमार यादव 55 पारियों में ही 44.11 की औसत और 171.71 के स्ट्राइक रेट से 1985 रन बना चुके हैं। दीपक चहर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई T20 सीरीज के 5वें मुकाबले से ठीक पहले अपने घर रवाना हो गए थे, जिसमें उनके परिवार में किसी एक सदस्य के गंभीर बीमार होने की खबर सामने आई थी। दीपक चहर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही T20 सीरीज का भी हिस्सा हैं, लेकिन वे अभी तक टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में मौजूदा सीजन का 4था मुकाबला खराब पिच की वजह से लगभग 7 ओवरों के अंदर ही रद्द करना पड़ा। BBL इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस वजह से मैच को रोकना पड़ा। इस मैच में मेलबर्न रेनेगेट्स और पर्थ स्कॉर्चर्स की टीमें आमने सामने थीं। मैच की शुरुआत हुई तो 6.5 ओवरों के बाद ही मैदानी अंपायर्स ने पिच के खतरनाक बाउंस को देखते हुए मुकाबले को रद्द करने का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, लेकिन वीजा और पासपोर्ट से जुड़े मसलों के कारण ऑस्ट्रेलिया गई पाकिस्तान की सीनियर टीम के पास डॉक्टर नहीं है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे के लिए सोहेल सलीम को टीम का आधिकारिक डॉक्टर नियुक्त किया गया था, लेकिन वे अभी तक टीम से नहीं जुड़ पाए हैं। पाकिस्तान की सीनियर टीम के अलावा Under-19 टीम बिना मैनेजर के UAE पहुंची है।